हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? माय फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु पे। माय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ट्रेड ट्रांसफर प्रोग्राम के बारे में कि क्या होता है ट्रेड ट्रांसफर प्रोग्राम। NIUS में एक बहुत ही फेमस प्रोग्राम है ट्रेड ट्रांसफर प्रोग्राम, जो कि यूनिवर्सिटीज़ में भी होता है ट्रेड ट्रांसफर प्रोग्राम। तो अलग अलग हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि बोर्ड का यानी कि NIUS का ट्रेड ट्रांसफर प्रोग्राम क्या होता है और यूनिवर्सिटी लेवल पर ट्रेड ट्रांसफर प्रोग्राम माय फ्रेंड्स क्या होता है। तो बने रहिए हमारे साथ में। माय फ्रेंड्स, NIUS की हम बात करें तो NIUS एक स्कीम देता है। स्कीम के तहत क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी भी रेकोगनाइज्ड बोर्ड से आपने पढ़ाई की है या फिर 12th की है या फिर 10th के आपने एग्ज़ाम्स दिए हैं और अनफॉर्चुनेटली आप पास नहीं हो पाते। जैसे मान लीजिए आपने 5 पेपर दिए, एग्जाम्पल से हम आपको समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने 10th में या 12th में 5 पेपर दिए और 5 पेपर देने के बाद में आप 2 या 3 में पास हो गए और बाकी में आप फेल हो गए, रिजल्ट बेसिकली आपका फेल है और अब आप 1 साल तक वेट नहीं करना चाहते हैं। तो NIUS क्या करता है कि आपको क्रेडिट ट्रांसफर प्रोग्राम में एडमिशन देता है, जिसके तहत आपको अपनी पुरानी उस फेल वाली मार्कशीट को, ओरिजिनल मार्कशीट को NIUS में जमा करना होता है। जमा करते हैं, आपका एडमिशन हो जाता है। एडमिशन के बाद में जो दो दो पेपर्स जिसमें आप पास थे उसके मार्क्स आपकी NIUS की मार्कशीट पर डाल दिए जाते हैं और 3 पेपर्स NIUS आपसे करवाता है। तो माय फ्रेंड्स, ये होता है क्रेडिट ट्रांसफर प्रोग्राम। क्रेडिट ट्रांसफर प्रोग्राम में वही स्टूडेंट एलिजिबल है जो मिनिमम 3 एग्ज़ाम दे। 3 एग्ज़ाम मिनिमम स्टूडेंट को देने ही पड़ेंगे, चाहे स्टूडेंट 4 पेपर्स में पास हो। तो माय फ्रेंड्स, ये है NIUS का क्रेडिट ट्रांसफर प्रोग्राम, जिसमें ऑन डिमांड एग्ज़ाम भी चलते हैं। ऑन डिमांड एग्ज़ाम क्या होते हैं, यानी कि ऑन डिमांड एग्ज़ाम के तहत जो NIUS है वो सिर्फ अप्रैल में या सितंबर में एग्ज़ाम नहीं करवाता, वो स्टूडेंट्स के ऑन डिमांड एग्ज़ाम करवाता है। स्टूडेंट की फैसिलिटी के हिसाब से स्टूडेंट ऑन डिमांड का फॉर्म भरता है और फॉर्म भरने के बाद में उसको डेट्स दी जाती हैं। हर 1.5-2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में ऑन डिमांड का एग्ज़ाम जो है NIUS कंडक्ट करवाता है और स्टूडेंट्स को इस तरीके से पास आउट करता है। तो माई फ्रेंड्स, ये था NIUS का क्रेडिट ट्रांसफर प्रोग्राम। अब माय फ्रेंड्स, बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी का क्रेडिट ट्रांसफर प्रोग्राम क्या होता है। माय फ्रेंड, जैसा कि मान लीजिए आपने इंजीनियरिंग का या BA का या BCom का फर्स्ट ईयर किसी यूनिवर्सिटी से किया है और अब आप उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने की या तो इच्छुक नहीं है या किसी रीजन से आपको वो स्टेट छोड़ना पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए आपके फादर का ही ट्रांसफर हो गया, आपके फादर गवर्नमेंट जॉब में और अरुणाचल प्रदेश में काम करते हैं और अब उनका ट्रांसफर फरीदाबाद का दिल्ली का हो गया। अब आप चाहते हो कि आप जैसे सेकेंड ईयर में एडमिशन अब आपका जहां पर आपके फादर जा रहे हैं वहां पे हो जाए। तो माय फ्रेंड्स, क्रेडिट ट्रांसफर प्रोग्राम में सिर्फ उन्हीं बच्चों को क्रेडिट ट्रांसफर मिलता है जो कोर्स, जैसे मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी से आपने फर्स्ट ईयर किया, अब वो कोर्स उस यूनिवर्सिटी में जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी में पहली बात तो वो कोर्स होना चाहिए और वो यूनिवर्सिटी वाले एक्सेप्ट करें आपको क्रेडिट ट्रांसफर प्रोग्राम के अंदर। हर यूनिवर्सिटी क्रेडिट ट्रांसफर प्रोग्राम नहीं करवाती है, हर यूनिवर्सिटी क्रेडिट ट्रांसफर में एडमिशन नहीं देती है, हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया होता है। तो माय फ्रेंड्स, आप चाहें तो इस प्रोग्राम में भी एडमिशन ले सकते हैं, आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि इस तरीके का भी कोई प्रोग्राम होता है। तो माय फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर क्रेडिट ट्रांसफर प्रोग्राम या फिर NIUS के ऑन डिमांड प्रोग्राम के बारे में आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इस वीडियो पे आप कमेंट भी कर सकते हैं और प्लीज़ आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।